चाहता हूँ, पूरा पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। तो हमें 50 शहीद किए हैं, तो हमको ये गर्व है कि हम उनको 500 शहीद करेंगे। मैं मोहम्मद जहांगीर बोल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के रहने वाला हूँ। हम लोग के बॉर्डर पे भेजा जाए, पूरे पाकिस्तान को एक तरफ छल्ली छल्ली गोली से उड़ा दिया जाए, तुरंत भेजा जाए, इसलिए कि अब सहारे बर्दाश्त से हद से ज्यादा बाहर चला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज इंडिया और राज शो। इस समय दोस्तों आप देख सकते हैं कि देश में कितना अपने जिस तरह से सैनिक शहीद हुए हैं और देश में जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध पर विरोध जारी है। और आप इधर देख सकते हैं कि रोज अपने देश में रैलियां निकाली जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस रैली के साथ हम चलेंगे, ये लोग पुतला भी लिए हैं, पुतला भी फूकेंगे और अपने बैनर पंपलेट पे लगाए हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, सैनिकों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और इमरान खान का पुतला आप देख सकते हैं, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा है यहाँ पर। और ये लोग अब चल रहे हैं यहाँ, ये लोग पूरा घूमेंगे कई जगह पर और वहाँ पर घूमते हुए नारा लगाएंगे, देख सकते हैं जिस तरह से लिखे हैं। तो चलिए चलते हैं, किस तरह से ये लोग पोस्टर पंपलेट और पुतला फूंकते हैं देखते हैं, चलिए चलते हैं। 14 फरवरी भारत के 46 जवान शहीद हो गए और वो शहादत भारत का हर युवा भुला नहीं पाएगा। और इस वजह से भारत का हर युवा इस समय गुस्से में है, आक्रोश में है, क्योंकि भारत के अब तक 50 जवान शहीद हो चुके हैं। भारत का कोई भी युवा हो, भारत का नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, भारत का नागरिक है तो उसके अंदर इतना आक्रोश है, इतना वो क्रोध से भरा हुआ है इस समय पाकिस्तान के खिलाफ कि आप इस समय अपने इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ी है हर भारत के कोने कोने से और वो विरोध प्रदर्शन कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, इमरान खान को तबाह करने के लिए पूरी भारत में इस समय रैलियां निकाली जा रही हैं, कैंपेन किया जा रहा है और पूरी पूरी तरह से पाकिस्तान को इस समय धमकी दी जा रही है भारत के तरफ से कि आओ हमसे युद्ध लड़ो। और इस समय भारत का हर युवा आक्रोश में है, गुस्से में है, सैनिक तो गुस्से में है ही और कुछ दिनों बाद फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगी और उसमें भारत का क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा, आज आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और कितने लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कितनी रैलियां निकाली जा रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, भारत का चप्पा चप्पा, भारत के कोने कोने से जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है पाकिस्तान के खिलाफ आप इस वीडियो में देखेंगे और पता चलेगा कि इस तरह से अपना भारत के लोग अपने किस मोड़ तक जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों दर्शकों आप देख सकते हैं कि अपने देश में कितना आक्रोश है और कितना गुस्से में है लोग। और यहां पर बजरंग दल के ये नेता हैं, इनसे कुछ पूछते हैं, क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए और अपने शहीद सैनिकों के लिए, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? हम पहली बात तो हम शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरी बात ये जो अत्याचार हुआ है इसके खिलाफ हम लोग बोलना चाहते हैं और सारे सैनिकों के साथ हम लोग हैं। और जिस तरह से अपने भारत के सैनिक दिन प्रतिदिन सैनिक शहीद हो रहे हैं और बीजेपी का कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि हमारे जवान शहीद ना हो, पूरी रणनीति लगा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं लोग धैर्य से काम लें, उनको सजा मिलेगी जो लोग इस तरह गद्दारी किए हैं देश के प्रति। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद,
आक्रोश में है, ये नौजवान आक्रोश में है, बच्चे आक्रोश में है। देख सकते हैं कि भारत में अपने कितना लोग इस समय अपने सैनिकों के लिए, सैनिकों के शहीद से कितना दुखी है, इतना वो गुस्से में भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं, पूछते हैं युवा से, यहाँ के जो ये लोग रैली निकाले हैं, पूछते हैं तो क्या किस तरह से क्या कहना है पाकिस्तान के लिए, क्या कहना चाहते हो? हम तो पाकिस्तान को छुली छूट उनकी मृत्यु चाहता हूँ, पूरा पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। मैं मोहम्मद जहांगीर बोल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के रहने वाला हूँ। जितने पाकिस्तानी हैं फौज को हिंदुस्तान वाले उड़ा दिया जाए, बम ब्लास्ट जाए, आप सहा न जाते। हम मोहम्मद जहांगीर बोल रहा हूँ। तो जैसा देख सकते हो दोस्तों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी इस समय धर्म से कुछ मतलब नहीं है। उनका कहना ये है कि अपने देश के सैनिकों के लिए, जिस तरह से देश का सैनिक शहीद हुआ है, 50 देश के सैनिक, 50 सैनिक शहीद हुए हैं, और उनका बदला, उनके 50 के बदले कम से कम 5,000 सैनिकों का सर चाहिए, इन लोगों को कहना है शहीद हुए। हम लोग के बॉर्डर पे भेजा जाए, पूरे पाकिस्तान को एक तरफ छल्ली छल्ली गोली से उड़ा दिया जाए, तुरंत भेजा जाए, इसलिए कि अब सहारे बर्दाश्त से हद से ज्यादा बाहर चला जा रहा है। देश के सैनिक जिस तरह से खुद ही वहाँ पर डटे हुए हैं, वो खुद लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। भारत के सेना में इतना ताकत जरूर है कि किसी देश को वो तबाह कर सकते हैं। भारत के पास इतना हथियार जरूर है कि खुद ही वो भारत के सैनिक ही सिर्फ चाहे तो किसी देश को तबाह कर सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान की सरकार खराब है, अन्यथा उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि हमारे हिंदुस्तान के बगावत में कोई उतारे। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती दे रहे हैं, उनका भी दोष निकाल रही है जनता। कह रही है कि आज जितने 50 जवान हमारे शहीद हुए हैं, तो अपने सरकार की भी वो गलती हो सकती है जिस तरह से वो फैसला करते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये लोग कह रहे हैं पुतला हम फूकेंगे, आप लोग देखेंगे ये पूरा कवरेज। क्या कहना है आपका? मुर्दाबाद है पाकिस्तान, इसको ध्वस्त करो, पाकिस्तान को एकदम ध्वस्त करो। जिस तरह से अपने देश के सैनिक दिन प्रतिदिन शहीद होते चले जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? उसको उससे ज्यादा उनको शहीद करना है पाकिस्तान को। मतलब जिस तरह से हमारे सैनिक एक शहीद हो रहे हैं, अगर 50 सैनिक शहीद हुए हैं, 50 सैनिक उनको, देख सकते हैं कि 50 गुना एक के बदले 50 सिर, यानी कि 50 लाशें भारत के लोग चाह रहे हैं, भारत के युवा चाह रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से 50 सैनिक शहीद हुए हैं, क्या हम लोगों को युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए पाकिस्तान? अगर हमारे यहाँ की सरकार ठग गई हो तो हम लोगों को अनुमति दे सकती है, अन्यथा हम अपने सरकार को दोषी मानते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ से आए दिन सर काटा जाता है, सैनिकों का पैर काटा जाता है, जिंदा सैनिकों को उठा लिया जाता रहा है, लेकिन क्या हमारे हिंदुस्तान की फौज कभी किसी का सर ले आई? क्या किसी को उठा के वहाँ से ले आई? क्योंकि पाकिस्तान के लोग कायर है, पाकिस्तान की सैनिक कायर है, भारत की सैनिक कायर नहीं है पाकिस्तान के जैसे। मोदी जी का भाषण कायर है, मोदी जी नहीं चाह रहे, नहीं अन्यथा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान जैसा छोटा देश हमारे विषय में सोच भी नहीं सकता। देख सकते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को भी दोष दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी सरकार को भी दोषी ठहराया जा रहा है। खिलाफ आक्रोश दिन प्रतिदिन भारत का बढ़ता जा रहा है, भारत के नागरिकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से संदेश देना चाहते हैं पाकिस्तान को? हम तो ये कहना चाहते हैं माननीय मोदी जी को और जितने भी हमारे देश के राजनीतिक हैं, एक बार ऐसा इतना छूट दे दिया जाए अपने देश के सैनिकों को कि हम उनका बदला, जो हमारे देश के सैनिक खत्म हुए हैं, हम उनका बदला खुद लेने में सक्षम हैं। पाकिस्तान को ऐसा नहीं है कि हम नहीं मिटा सकते, लेकिन ये लोग दबाव में डाल के राजनीतिक मुद्दा लेके हम लोगों को दबाव में डालते हैं और सामने दिखाने के लिए आक्रोश जाहिर करते हैं। तो जिस तरह से 50 सैनिक शहीद हुए हैं, अपने देश के 50 सैनिकों के शहीद शहादत पर, क्या हम लोगों को पाकिस्तान से युद्ध लड़ना चाहिए? क्या हम लोगों को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? बिल्कुल, अगर वो हमें 50 शहीद किए हैं तो हमको ये गर्व है कि हम उनको 500 शहीद करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से गुस्सा है अपने देश के नागरिकों में, जब इतना गुस्सा है तो अपने देश के सैनिक किस तरह से गुस्से होंगे।
और आप देख रहे हैं कि भीड़ कितना लग चुकी है। और चलिए और जगह पर चलते हैं, जिस तरह से इन लोगों का रैली निकला है, इन लोगों के साथ पूरी कवरेज, पूरा कवरेज का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं सभी लोगों से किस तरह से वो गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ क्या बोलना चाहते हैं, पाकिस्तान को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से अपने देश के सैनिक दिन प्रतिदिन शहीद हो रहे हैं। उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। क्या हम लोगों को इसका मतलब युद्ध लड़ना चाहिए? जिस तरह से वो बात करे उसी तरह जवाब देना चाहिए, कड़ा जवाब। मतलब दोस्तों देख सकते हैं, दर्शकों देख सकते हैं कि लोगों का कहना यह है कि उन लोगों को कड़ी जवाब देना चाहिए, हम लोगों को जरूरत पड़े तो उनके घर के अंदर घुसकर। तो जिस तरह से अपने देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है मालूम नहीं, जब आपने देखा नहीं तो कैसे माल नहीं शहीद हुए। मतलब आपको ये यकीन नहीं है कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं? नहीं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं टीवी पे, मीडिया पर? अरे हमेशा से ऐसा आता आया है, राजनीति है, ये चुनाव का समय है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तुमको क्या मालूम? मतलब कहने का आपका आपका कहने का मतलब ये है कि जो 50 सैनिक शहीद हुए है तो आपने नहीं देखा तो आप नहीं मानेंगे? नहीं, हमने नहीं देखा, हमने नहीं माना। तो जैसा कि दर्शकों इनका कहना ये है कि 50 सैनिक जो शहीद हुए हैं, हम ये नहीं मानते कि वो शहीद हुए हैं, हमने नहीं देखा उनको शहीद होते हुए। नहीं देखा आपने? देख लीजिए, बार बार ये कह रहे हैं कि हमने उनको नहीं देखा शहीद होते हुए। भारत में कुछ नागरिक ऐसे भी हैं जो लोग सीधा बोल रहे हैं कि हम नहीं देखे उनको शहीद होते हुए, अर्थात भारत के सैनिकों का खून बहता रहे, सैनिक शहीद होते रहे। कुछ नागरिकों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे शहीद हो चाहे ना शहीद हो, उनके सामने अगर शहीद होते हैं तब वो मानेंगे कि भारत के सैनिक शहीद हुए हैं। देखिए इसमें मोदी सरकार की बहुत बड़ी कमी है, और इमरान खान का बयान जो देख लीजिए तो ये कूटनीति कहीं ना कहीं चाल है जिसमें चाइना कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है, चाहे आप उसकी बैठक में देख लीजिए, सुरक्षा परिषद ही उसमें जहाँ मुद्दा ले जाया जा रहा है, सुन रहे हैं फ्रांस ला रहा है, लेकिन इससे हमारा जनाक्रोश कम नहीं होगा, हमें बदला चाहिए, 50 के बदले 100 सौ सही। मतलब अगर देखा जाए तो 50 सैनिक शहीद हुए हैं, क्या हम लोगों को पाकिस्तान से युद्ध लड़ना चाहिए? क्या हम लोगों को ये हम लोगों के लिए सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए वक्त है इस समय जवाब देने का और जवाबी कार्रवाई करने का, इसलिए जवाबी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए ताकि पाकिस्तान को भी समझ में आए कि उसकी औकात क्या है, बच्चा है बच्चे की तरह रहे। मतलब अब युद्ध लड़ना चाहिए पाकिस्तान से ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वार हो, लेकिन हाँ अगर 50 सर गए हैं तो 100 सर उधर से आने चाहिए। आंखों की पलके उठा कर देख ले पाकिस्तान, किस तरह से गुस्से में है हिंदुस्तान, और भारत का हर युवा इस समय इस तरह से क्रोधित है, आक्रोश से भरा हुआ है, और उसके आंखों में इतना गुस्सा छलक रहा है, आप देख लो और उसकी प्रतिक्रिया देख लो। अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी पूरी बाकी है, और फिल्म दिखाएगी वो भारत की सैनिक किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तेरे ऊपर, वो तो वक्त बताएगा। जब ये ट्रेलर आ चुका है तो फिल्म भी आएगी, और फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी, और ये फिल्म अपने देश के सैनिक रिलीज करेंगे पाकिस्तान के अंदर घुसकर, जब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तब ये समझ में आएगा पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को तब ये समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि हमको हिंदुस्तान से दुश्मनी महंगा पड़ चुका है।